कैसे हैं दोस्तों आप सब, उम्मीद है वास्ते खैरियत से होंगे। और हम यहाँ पर बेबान शहर में रह रहे थे और आप दोस्तों को दिखाता हूँ बेबान शहर। और आज हम बेबान से जा रहे हैं बंदर देलम और बंदर देलम से फिर आगे जाएंगे बू शहर में। और आप दोस्तों को बू शहर को मैं विज़िट करवाऊँगा। और हम यहाँ पर ये मेहमान पजीर है, इस मेहमान पजीर पर ठहरे रहे। मेहमान पजीर खुजस्तान है बेबान में। और ये सामने जो आपको चर्चा दिखाई दे रहे हैं ये मेहमान पजीर के जो है ना ऑनर है। और मेहमान पजीर जो होते हैं यहाँ पर मुसाफिर खाने हैं, ये बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं। और अभी हम टैक्सी का वेट कर रहे हैं, थोड़ी देर में टैक्सी आ जाएगी और फिर हम यहाँ से जाएंगे बंदर देलम और बंदर देलम से फिर आगे बाई बस जाएंगे हम बू शहर। अगर आपने इससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। और दोस्तों ये देख रहे हैं टैक्सी आ गई है और अभी हम इस टैक्सी में सवार होंगे और फिर हम देलम जाएंगे और देलम जाकर आपको फिर आगे की जो सिचुएशन बनेगी वो आपको बताएंगे। हो सकता है आगे से हमें टैक्सी मिले मतलब बू शहर के लिए। और अब हम दोस्त बैठ गए हैं गाड़ी में और अभी देलम का सफ़र जो है शुरू हो गया है। बंदर देलम से हमें बस मिली है और बस के जरिए अब हम जाएंगे बू शहर और हम जाएंगे बंदर कंगान। और ये जो हमारे साथ ये पीछे लड़के बैठे हुए हैं ये जाएंगे कंगान के लिए। बहुत अच्छी आपकी तस्वीर आ रही है भाई जान। मैं किधर जाऊंगा? आप मेरे साथ आओ। नहीं मैं कंगान जा रहा हूं। और ये सफर शुरू हो गया है, बस मिल गई है, बस पर हम जा रहे हैं हम बू शहर। दोस्तों अब मैं पहुंच गया हूं बंदर बू शहर और यहां पर हमने मेहमान पजीर लगवा लिया है। मेहमान पजीर का नाम है हाफिज और आपको ये दिखाते हैं बंदर बू शहर। आज जुम्मा है, जुम्मे की छुट्टी की वजह से बाजार वगैरह बंद पड़े हैं और यहां से अब मैं लेने आया हूं हम बर्गर और एक फलाफिल लेना है यहां से। ये देख रहे हैं ये दुकान है, यहाँ से फलाफिल मिलेंगे। और दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ बू शहर के साहिल समुंदर पर। आप दोस्तों को बू शहर के साहिल समुंदर का नज़ारा करवाता हूँ। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप दोस्तों को बू शहर का जो बाज़ार है वो दिखाऊंगा। और अगर आपने इससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और दुआ में याद रखना। ओके अल्लाह हाफिज़।